जो मेरा नेक्स्ट है उस पर आप गौर फरमाइए। IOC ने शुरू किया UAV में उपयोग होने वाली गैस का निर्यात। बेटा जरा गौर से सुन, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने शुरू किया UAV, ठीक है, उपयोग होने वाली गैस का निर्यात। UAV मतलब क्या होता है आप भी जानते हैं, जो एरियल व्हीकल है जैसे हवाई जहाज, उसमें जो गैस यूज किए जाते हैं। तो आइए, सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC जो एक महारत्न कंपनी है, विमान ईंधन, हवाई जहाज के ईंधन गैसोलीन का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। इस ईंधन का उपयोग मानव रहित विमानों UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल UAV में होता है, जिसमें मनुष्य नहीं बैठते, शटल वगैरह सब जो होता है ये सब। उड़ान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले पिस्टन इंजन में किया जाता है। यह एक उच्च ऑक्टेन विमान ईंधन है और आयातित ग्रेड की तुलना में यह सस्ता है। हमारे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT से विमान गैस की 80 बैरल की पहली खेप पापुआ न्यू गिनी को हमने निर्यात किया है। तो महाराष्ट्र में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, वहां से 80 बैरल इस गैसोलीन को लेकर इरंजिया पापुआ न्यू गिनी जो देश है इंडोनेशिया के पूरब में, एशिया में, ईस्ट एशिया में, वहां गया है। कितनी अच्छी बात है, इसको समझने की कोशिश करिए। और इस तरह से हम देखते हैं, अनुमानित 2.7 अरब डॉलर के विश्व बाजार में हम इस तरह से निर्यात बाजार में प्रवेश कर गए। इस विमान गैस का नाम हमने AV Gas 100LL रखा है, AV Gas 100LL। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, लगे हाथ दूसरी चीजों पर ध्यान दें। पेट्रोलियम उत्पाद, बेटा जो हम कच्चा तेल पेट्रोलियम मंगाते हैं, जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, क्रूड ऑयल को मशीन में डालकर फ्रैक्शनल डिसऑर्डर्स मतलब ऑर्डर से हम इसके अलग अलग चीजें निकालते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं और फिर उसको हम बेचते हैं। तो पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, रसायन और एल्युमिनियम सामान की वजह से चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में, अप्रैल से दिसंबर में, नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया। यानी पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज्यादा हम अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद UAE एक्सपोर्ट करते हैं और तीसरे नंबर पे नीदरलैंड आ गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में। ओके?